और चलिए आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें जरा देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन उससे पहले राजघाट यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये खास तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली से तस्वीरें जरा देख लीजिए, नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। आज शपथ ग्रहण समारोह है और फिलहाल राजघाट पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये खास तस्वीरें, तो देखिए बापू को श्रद्धांजलि भी आज देंगे और फिलहाल राजघाट पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ऐतिहासिक शपथ से पहले बापू को आज नमन करेंगे। देखिए शपथ ग्रहण समारोह है आज शाम को, लेकिन उससे पहले अभी पहुंच रहे हैं राजघाट और बापू को नमन करेंगे, पुष्पांजलि आज अर्पित करेंगे। तो राजघाट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में आज मोदी सरकार का 3.0 शपथ ग्रहण समारोह। विकास तस्वीर राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, देखिए नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह है। अगर पूरे कार्यक्रम की बात करें तो फिलहाल राजघाट पहुंचे हैं और उसके बाद देखिए अगर 9 से 10 बजे के बीच की बात की जाए तो जो संभावित मंत्री हैं, जो आज मंत्रीपद की शपथ ले सकते हैं, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। 9 से 10 बजे के बीच में चाय पर चर्चा होगी, मुलाकात होगी। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राजघाट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे देखिए नमन करते हुए नजर आ रही है और पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पित करेंगे। मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, लेकिन फिलहाल राजघाट में है नरेंद्र मोदी। लाइव तस्वीरें जरा देख लीजिए। तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। जानकारी आपको दे दें कि इससे पहले पंडित नेहरू के नाम है पुराना रिकॉर्ड, देश के 3 बार वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 1952, 1957 और 1962। और अब नरेंद्र मोदी ये रिकॉर्ड बना रहे हैं 2014, 2019 और 2024। तो ये तीसरा उनका टर्म होगा, तीसरा कार्यकाल उनका होगा, लेकिन राजघाट से लाइव तस्वीरें सर आप देख लीजिए। और उसके बाद 9 से 10 बजे के बीच में संभावित मंत्रियों से आज वो बातचीत करेंगे, चाय पे यहाँ पे चर्चा होगी, मुलाकात होगी। मिशन 2047 की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, तो ऐसे में इस मिशन को लेकर पूरी तत्परता के साथ इस बार चुनाव में उतरे थे। और देखिए अब उनका ये तीसरा कार्यकाल होगा। आपको ये तस्वीरें नजर आ रही होगी जिनमें लोगों के हाथ में मोबाइल है और तस्वीर यहाँ पे कैद करते हुए लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। राजघाट से अपनी तस्वीरें देखी कि किस तरह से पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। शपथ से पहले बापू को नमन किया, तीसरी बार फिर मोदी सरकार।
और राष्ट्रपति भवन की अगर बात करें तो देखिए आसपास 3-tier सुरक्षा यहाँ पे की गई है, अर्धसैनिक 5 जो सैनिक है उनकी 5 कंपनीज यहाँ पे तैनात की है, एनएसजी कमांडोज यहाँ पे लगाए गए हैं, 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज निगरानी रखेंगे, दिल्ली जो है हाई अलर्ट पे है, विदेशी मेहमान भी यहाँ पर पहुँचेंगे, ऐसे में विशेष सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। नो फ्लाइंग जोन दिल्ली को घोषित किया गया है, ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पैराग्लाइडर हॉट बलून उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, राष्ट्रपति भवन के आसपास 3-tier सुरक्षा नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली फिलहाल छावनी बनी है क्योंकि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम यहां पर कर लिए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात है, एनएसजी कमांडो ड्रोन और स्नाइपर भी मुस्तैद, और देखिए 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे लगाए गए हैं जिनके माध्यम से निगरानी रखी जाएगी और पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पे है। नो फ्लाइंग जोन दिल्ली को घोषित किया गया है, तो सुरक्षा के लिहाज से भी हम लगातार बात कर रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से दिल्ली को हाई अलर्ट पे रखा गया है। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनीज तैनात, एनएसजी कमांडोज ड्रोन और स्नाइपर भी मुस्तैद, इसके अलावा 500 सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं जो पूरी दिल्ली पर अपनी नजर बनाए रखेंगे, पूरी दिल्ली पर निगरानी रखेंगे।